आज हम लोग सीखेंगे एक बोर्ड बनाना, और ये बोर्ड ऐसा है जिसमें दो 5-pin सॉकेट है और दो स्विच है। सिर्फ नॉर्मल सिंपल सा बोर्ड, बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे कि किसी भी बोर्ड में एकदम प्रॉपर वायरिंग कैसे कर सकते हैं। इस बोर्ड को हम लगाने वाले, देखिए इस जो बोर्ड की वायरिंग इसमें यहां और इसमें देख रहे हैं, कई सारे तार दिख रहे हैं ना, लेकिन ये इतने सारे ना इसमें न्यूट्रल, फेस, इन्वर्टर, अर्थ सभी का कनेक्शन करके दिखाएंगे कि एक प्रॉपर वायरिंग अगर करनी हो किसी के घर की और ऐसे दो सॉकेट लगे हो तो हम कैसे कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं तुरंत। तो सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि ये जो बोर्ड है इसको बनाया गया है पावर बोर्ड के लिए। पावर बोर्ड का मतलब ये होता है कि इस बोर्ड का हम यूज करेंगे पावर सप्लाई के लिए। जैसे कहीं टीवी के सॉकेट देना हो तो ऐसा दे सकते हैं, क्योंकि दो सॉकेटों की जरूरत पड़ेगी। अगर 16 एम्पियर का बोर्ड लगाना चाहते हैं, यानी कि इसके अंदर कोई हीटर, गीजर या फिर किचन के अंदर लगाना चाहते हैं, तो आप ऐसा बोर्ड लगा सकते हैं। तो उसकी वायरिंग प्रॉपर कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले वायरों की संख्या की बात करें तो इसके अंदर टोटल ये तार कई दिख रहे हैं ना, इतने नहीं है। इसके अंदर तार केवल है 4, देखिए या एक तार है ये ब्लैक वाला, ये रेड कलर का है ना, एक हो गया ब्लैक वाला, दूसरा हो गया ग्रीन वाला, ये तीसरा हो गया और ये व्हाइट वाला चौथा हो गया। तो टोटल 4 ही वायर इसमें है, और 4 में है क्या, रेड वाला है मोटा है, 2.5 mm का वायर है, मेन वायर है। तो ये वाला जो वायर है ये है फेस, और ये जो ब्लैक वाला है ये है न्यूट्रल। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल और फेस दे करके इसकी वायरिंग करके समझते हैं। देखिए बिल्कुल, अगर मतलब कि अगर किसी के घर की वायरिंग में इन्वर्टर नहीं लगा है या बॉडी अर्थ का नहीं है तो ये दो तार नहीं होंगे, सिर्फ न्यूट्रल और फेस होंगे। तो न्यूट्रल और फेस के साथ वायरिंग करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा जो वायरिंग का नियम होता है, नियम नंबर 1 ये होता है कि सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को, यानी ये जो न्यूट्रल का तार है, इसको सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। उपकरणों का मतलब क्या होता है, जैसे इस बोर्ड के अंदर दो सॉकेट लगी है ना, ये दोनों उपकरण कहे जाते हैं। मतलब इसके अंदर दो सॉकेट है तो दोनों उपकरण है, तो दोनों उपकरणों के एक एक पॉइंट में इस न्यूट्रल के तार को डायरेक्ट पहुंचाना है। तो देखिए ये न्यूट्रल का तार यहां पर देख सकते हैं, ये जोड़ है, और जोड़ को बनाकर ऐसे एक ही था और दो बनाया गया है, मतलब दो जगह न्यूट्रल लेके जाना है। तो ये जो 5-pin सॉकेट है इसमें किधर न्यूट्रल और किधर फेस देना ये भी फिक्स होता है। जैसे देखिए ये 5-pin सॉकेट है तो इसमें लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में, ऐसे सीधे पोजीशन से जो बाएं साइड में पॉइंट पड़ता है इसमें न्यूट्रल की सप्लाई दिया जाता है। तो देखिए यहां पर हम न्यूट्रल की सप्लाई एक में जोड़ देते हैं, यहां नजदीक से दिखाइएगा। तो यहां पर देखिए कि हम न्यूट्रल की सप्लाई एक में यहां पर जोड़ देते हैं इस वाले पॉइंट में, और दूसरे को दूसरे वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं। देखिए यहां पर न्यूट्रल के वायर को हमने दोनों सॉकेटों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया है, यानी न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट सॉकेट में गया और न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट सॉकेट में गया, यानी न्यूट्रल कंप्लीट हो गया। अब बात रही फेस की, ये हमारा फेस का वायर है, फेस के वायर को सभी स्विचों यानी बटन के निचले पॉइंट में, यानी इसके अंदर कितने स्विचे हैं, टोटल 2 स्विचे हैं, तो दोनों स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। मतलब ये स्विच है ना, इसका निचला पॉइंट देखेंगे, निचला पोजीशन, देखिए निचला पोजीशन कैसे है, ये वाला इसका निचला पोजीशन आएगा। मतलब ऐसे सीधे पोजीशन पे अगर बोर्ड है तो इधर का जो निचला पोजीशन है उसमें ये फेस के वायर को डायरेक्ट जोड़ देना है। अगर जिस पॉइंट में ये फेस के वायर को हम जोड़ेंगे उसी स्विच से वो काम करेगा। नियम नंबर 2 हमारा यही है कि फेस के वायर को स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ना है। यहां पर देखिए हमने एक स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ा ना, स्विच में भी यही वाला फेस वाला पॉइंट यहां तक पहुंचाना है। लेकिन अगर मान लीजिए हमें वायरिंग ऐसी करने की जरूरत पड़ रही है कि एक सॉकेट हमारी लाइट से चलनी चाहिए, एक सॉकेट हमारी इन्वर्टर से चलनी चाहिए, तो अगर आपके घर में ये इन्वर्टर वाला तार आया हुआ है तो ये दूसरी स्विच के निचले वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। यानी इस तार को जिस स्विच में लगाएंगे उस स्विच से चलने वाला उपकरण इन्वर्टर से चलेगा, क्योंकि ये इन्वर्टर का वायर है व्हाइट कलर का। तो देखिए इसको अगर हम यहां पे जोड़ दें इस स्विच में तो इससे चलने वाला उपकरण इन्वर्टर और लाइट दोनों से चलेगा, क्योंकि देखिए इन्वर्टर वाले वायर में जो सप्लाई आती है ना उसमें लाइट प्लस इन्वर्टर दोनों आता है। कि इन्वर्टर वाले तार को हमने एक स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ दिया और फेस वाले तार को एक स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ दिया, और स्विचों का बचा हुआ जो एक एक पॉइंट है, एक स्विच का बचा हुआ एक सॉकेट में, यानी नियम नंबर 3 हमारा ये होता है कि स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट, यानी ये जो स्विच का बचा हुआ एक एक पॉइंट है उसको उपकरणों के बचे हुए एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। यानी एक स्विच का एक पॉइंट बचा हुआ और एक उपकरण के एक पॉइंट में हमने इसको डायरेक्ट
डायरेक्ट जोड़ दिया है पहले से। इसका यह मतलब हुआ कि जिस स्विच से जिस उपकरण को जोड़ेंगे उसी स्विच से वो उपकरण काम करेगा। अब देखिए ये वाली स्विच है और इससे हमने इस सॉकेट को पहले से जोड़ रखा है। देखिए व्हाइट कलर का नजदीक से दिखाइए एक बार। देखिए ये स्विच का ऊपर वाला पॉइंट है यहां पे जुड़ा हुआ है और ये स्विच का ऊपर वाला पॉइंट इस सॉकेट में जुड़ा हुआ है। न्यूट्रल की सप्लाई यहां भी आई है, न्यूट्रल की सप्लाई यहां भी गई है। फेस का वायर एक स्विच के निचले पॉइंट में गया है, इन्वर्टर का वायर दूसरे स्विच के निचले पॉइंट में गया है। मतलब जिसमें फेस गया इस स्विच से चलने वाला उपकरण लाइट से चलेगा और इन्वर्टर वाला तार ये जिसमें आया हुआ है इस स्विच से चलने वाला उपकरण लाइट और इन्वर्टर दोनों से चलेगा। तो इस प्रकार से हम वायरिंग कर सकते हैं। और अगर इसमें बॉडी अर्थ का भी कनेक्शन करना होती है, ग्रीन कलर के वायर से हम वायरिंग करते हैं और ये जो 5-पिन सॉकेट के ऊपर वाला पॉइंट है इस दोनों पॉइंटों में हम ग्रीन वाले वायर को जोड़ करके इसको बॉडी अर्थ का कनेक्शन भी दे देते हैं ताकि ये बोर्ड का वायरिंग हमारी पूरी प्रॉपर तरीके से हो सके। तो देखिए इस प्रकार से हम यहां पर जोड़ देते हैं और दोनों में हमने ग्रीन कलर का वायर ला करके जोड़ दिया। ये ग्रीन कलर का वायर दो नहीं है, एक ही है। देखिए इस तरह से आया हुआ है, ये एक तरफ से आया है और एक तरफ गया, इसलिए दो है। और यहां पर दोनों को एक में लगा करके जोड़ के टेप मारा गया है तो दोनों में बॉडी अर्थ का भी कनेक्शन आ गया। तो ये बोर्ड बिल्कुल आसानी से अच्छे तरीके से बन गया है। चलिए इसको चालू करके भी दिखाते हैं। तो इसको चालू करने के लिए देखिए हमारे बोर्ड में जो सप्लाई देना है, ये पूरी जो बोर्ड की वायरिंग हुई है इसके अंदर हमने यहाँ तक बनाया हुआ है कि सबसे पहले यहाँ हमारे पास एक पावर स्विच लगाई हुई है, इसी स्विच में इसको सप्लाई देते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ से हम पावर को ऑन करते हैं, मीटर हमारा बल्ब वगैरह सब चालू हो गया, MCB भी चालू है। देखते हैं इधर से कोई MCB एक ट्रिप है, इसको भी ऊपर उठा देते हैं जो भी अगर बंद हो, और देखते हैं यहां तक सप्लाई तो अब आ गई होगी हमारे इस बोर्ड में, हमारे सप्लाई आई कि नहीं आई। देखिए इन सभी बोर्डों में तो सप्लाई आ गई है, इस वाले बोर्ड में भी हम चेक कर लेते हैं। और इस बोर्ड में चेक करने के लिए देखिए हमने यहां पर पहले स्विच को बंद कर लेते हैं, होल्डर और बल्ब लगा लेते हैं और इस बल्ब में पावर देते हैं और फिर स्विच को ऑन करते हैं। देखते हैं देखिए ये बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है, तो बिल्कुल सही तरीके से कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से हम किसी भी बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। इन्वर्टर वाले वायर को अगर अभी हम चेक करें तो अभी ये सप्लाई नहीं बताएगा क्योंकि यहां पर इन्वर्टर नहीं लगा हुआ है। तो इसी प्रकार से हम किसी भी बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं, अच्छे तरीके से नॉर्मल बोर्ड को हम बना सकते हैं। धन्यवाद।